आज मैं आपको एक ऐसे AI सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो लिटरली आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, बिना कोडिंग नॉलेज के आप कुछ ही क्लिक्स में वेबसाइट, मोबाइल ऐप, मशीन लर्निंग मॉडल और डेटा साइंस प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, कोडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं, बस प्रॉम्प्ट टाइप कीजिए और आपका प्रोजेक्ट कुछ ही सेकंड्स में रेडी है। ऐसा समझ लीजिए VS कोड में AI को इंटीग्रेट कर दिया है। अब मजे की बात सुनिए, इस सॉफ्टवेयर में ना सिर्फ आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बल्कि बग्स और एरर को रियल टाइम में फिक्स कर सकते हैं, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन। इतना ही नहीं, और इस सॉफ्टवेयर को यूज करना इतना सिंपल है कि कोई बच्चा भी यूज करके वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बना सकता है। कहने का मतलब, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी अब आपके हाथ में। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करें और कैसे यूज करें, का यूज करके अपने प्रोजेक्ट आइडिया को एक रियल प्रोजेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें। तो कनेक्ट रहिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके करियर और क्रिएटिविटी को एक नए लेवल पर ले जाएगी। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं कुछ माइंड ब्लोइंग एक्शन। लेट्स स्टार्ट। सो हम आ गए अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। अब जान लेते हैं कि AI सॉफ्टवेयर है क्या और काम कैसे करता है। तो मैं आपको सबसे इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए आपका जो कोड एडिटर है, जैसे कि हमारा VS कोड है, अगर उस पर AI को इंटीग्रेट कर दिया जाए, जैसे कि AI मॉडल होते हैं लाइक ChatGPT, Perplexity AI, Bing AI जैसे AI मॉडल हैं, अगर उसे हम अपने कोड एडिटर पर इंटीग्रेट कर दें तो उसकी हेल्प से हम कोड जनरेट करा सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट पर कोई एरर है तो उसे फिक्स करा सकते हैं। ये तो नॉर्मली बात हुई, बट जिसमें AI सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ उससे आप लिटरली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट तक क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जैसे ChatGPT में हम कोड जनरेट कराते हैं बट उससे हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, बट उस AI सॉफ्टवेयर में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसी पर आपको AI मिल जाएगी, वो साइड में आपका कोड रहेगा, उसी पर आपकी फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी और आपकी सारी फाइल्स को एनालाइज करके राइट कोड प्रोवाइड कराएगा। वैसे ऐसे समझाने में थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा, सो अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आ जाएंगे अपने ब्राउजर पर और सर्च बार पर आकर सर्च करेंगे विंडसाइट AI। इसके बाद आपको फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट पर आ जाना है, विंडसाइट एडिटर। वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद कॉर्नर पे आपको डाउनलोड बटन दिखेगा, इस पर सिंपली क्लिक करना और यहाँ से हमें विंडो के लिए डाउनलोड कर लेना है। सो हमारा कोड एडिटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो मैंने इसे ऑलरेडी इसकी सेटअप फाइल को डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सो अब चलते हैं सीधा सॉफ्टवेयर पर। विंडसाइट AI सॉफ्टवेयर को जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, और इसका यूज़र इंटरफेस कुछ VS कोड से ही सिमिलर है। सो आप इस पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और मैं आपको एक सबसे पहले एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करके दिखाऊंगा। इसके बाद एक हम मोबाइल एप्लीकेशन भी क्रिएट करेंगे इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। सो इस फोल्डर का नेम देंगे हम न्यू, उसके बाद यहाँ से इसे इंपोर्ट कर लेंगे। सो हमने अपने फोल्डर को इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ प्रोफाइल पर आएंगे और यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सो आपको यहाँ पर इस कोड एडिटर की बहुत सारी यहाँ पर सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि आपको VS कोड पर मिलती है। सो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, टेक्स्ट या कोड की स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, फीचर्स आपको मिल जाते हैं, रन और शॉर्टकट्स आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसा आपको VS कोड पर मिलता है वैसे ही यहाँ पर आपको कोड एडिटर के सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सो अब चलते हैं AI की हेल्प से हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, ये जान लेते हैं। सो आपको यहाँ पर प्रोफाइल के बगल में यहाँ पर आइकन मिलेगा ये ब्लू कलर का, इस पर सिंपली क्लिक करना है। सो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपने प्रोजेक्ट का प्रॉम्प्ट इंटर करना है, जिसके थ्रू एक कोड एडिटर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सो आप यहाँ पर AI मॉडल्स को देख पाएंगे। यहाँ पर आपको ChatGPT 4o प्रीमियम देखने के लिए मिल जाएगा और साथ में Cloud 3.5 प्रीमियम देखने के लिए मिल जाएगा। अभी के लिए प्रीमियम है बट आप इसे फ्री यूज़ कर सकते हैं, अभी आप इसे अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, इसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और ये जो नीचे वाला AI मॉडल है इसे आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, इस ये प्रीमियम नहीं है, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा आपको कि ये Cloud 3.5 यूज़ करें, बिकॉज ये ChatGPT से कई गुना पावरफुल AI है। साथ में आप अपनी UI इमेज को अपलोड करके उससे भी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करा सकते हैं। सो हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा मेक गुड लुकिंग पोर्टफोलियो
वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript। सो मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए कि सिंपल प्रॉम्प्ट यहाँ पर टाइप कर दिया, मेक गुड लुकिंग पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript। इसके बाद यहाँ पर आपको टू ऑप्शंस मिलेंगे, राइट एंड चैट। अगर आप कोई क्वेश्चन बस पूछना चाहते हैं तो आप चैट पर स्विच हो सकते हैं। अगर आप कोड राइट कराना चाहते हैं सो यहाँ पर राइट को सिलेक्ट करें। सो मैं यहाँ पर कोड राइट कराना चाहता हूँ, सो प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे सो हमारा यहाँ पर कोड जनरेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सो हमारा फर्स्ट कोड जो जनरेट होगा वो HTML होगा, इसके बाद CSS एंड JavaScript। और यहाँ पर आपको यहाँ फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर फाइल क्रिएट हो जाएंगी, सिर्फ आपको रन करना है अपने प्रोजेक्ट को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ऑटोमेटिक HTML फाइल क्रिएट हो गई है। बस यहाँ पर हमें एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पर क्लिक करना है, बट इसे आप एक क्लिक में भी सभी फाइल्स के चेंजेस को कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोड जनरेट हो जाने देते हैं। सो कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड होती है और यहाँ पर सारे फीचर्स की समरी भी रेडी कर देता है AI मॉडल, जिसमें बताया कि हमारे वेबसाइट पर क्या क्या फीचर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड किया है। अब यहाँ पर हमारी तीनों फाइल्स क्रिएट हो गई हैं HTML, CSS एंड JavaScript की। आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि हमारे फोल्डर पर ये सारी फाइल सेव हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम इसे रन करेंगे और देखेंगे हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसी दिख रही है। सो आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में हमारी कितनी अच्छी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनकर रेडी हो गई है। अब इस पर चाहे आप और इसे इन्हेंस कर सकते हैं और इस पर एनिमेशंस, कलर्स जो भी ऐड कराना चाहते हैं कुछ ही सेकंड्स में करा सकते हैं, वो भी सिर्फ प्रॉम्प्ट देकर। इस पर आपको कोई भी कोडिंग की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसा देना है प्रॉम्प्ट। सो आप इसे कर सकते हैं। तो थोड़ा और इसे इन्हेंस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक फ्लैटर एप्लीकेशन को भी क्रिएट करके देखेंगे। सो इस पोर्टफोलियो वेबसाइट को और इन्हेंस करने के लिए मैंने सेकंड प्रॉम्प्ट दिया है, प्लीज़ मेक 3D एनिमेटेड लुकिंग एंड एड मोर फीचर फंक्शनैलिटीज विथ मेक गुड लुकिंग यूजर इंटरफेस। इसके बाद सेंड बटन पर क्लिक करेंगे सो हमारी अगेन से कोड जनरेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सो मैं यहाँ पर आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। सो हमारे कोड जनरेशन की प्रोसेस एंड हो गई है, इसके बाद एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमने जो प्रॉम्प्ट दिया था उसके चेंजेस हमारे कोड पर अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद हम अपने HTML कोड को अगेन से रन करके देखेंगे कि हमारी वेबसाइट 3D एनिमेटेड लुकिंग बनी है कि नहीं। सो आप देख सकते हैं अब हमारी वेबसाइट थोड़ी एनिमेटेड एंड गुड लुकिंग बन गई है। साथ में यहाँ पर कुछ और 3D मॉडल्स ऐड हो गए हैं ऊपर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो कि एनिमेटेड लुकिंग रहेंगे। अगर यहाँ पर इमेजेस ऐड होती तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ पाता। तो आप इस तरह से कुछ ही सेकंड्स में अपनी पोर्टफोलियो या कोई भी वेबसाइट क्रिएट कराना चाहते हैं सो कर सकते हैं। अब एक फ्लैटर एप्लीकेशन क्रिएट करके और देख लेते हैं। सो मैंने फ्लैटर एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट इस AI कोड एडिटर पर ओपन कर लिया है, जिसका आउटपुट ये रहा। अब हम इस ऐप को एक टूडो ऐप में कन्वर्ट करेंगे। सो इसके लिए ओपन कर लेंगे इस कोड एडिटर की AI को, और इस बार हम प्रॉम्प्ट से नहीं करेंगे, इस बार हम UI इमेज से करेंगे। सो मैंने अपने टूडो एप्लीकेशन का UI इमेज ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। ये रहा हमारे टूडो ऐप का UI। अब इसे हम इस कोड एडिटर के AI पर इंपोर्ट करेंगे। सो यहाँ एड इमेज पर क्लिक करेंगे और अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट देंगे, हमें ये बताना है कि ये जो हमारी इमेज है इसे एक वर्किंग मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दो। सो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा मेक दिस इमेज UI ऐप। सो मैंने यहाँ पर एक सिंपल प्रॉम्प्ट दे दिया है और यहाँ पर मैंने क्लाउड 3.5 AI मॉडल को सिलेक्ट किया है। इसके बाद सेंड बटन पर क्लिक करेंगे सो जो हमारा इमेज में UI है वो हमारा एक रियल एंड्रॉयड ऐप कन्वर्ट होकर आ जाएगा। सो यहाँ पर कोड जनरेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और ऑटोमेटिकली जब ये कंप्लीट हो जाएगा सो हमारा कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई भी हो जाएगा। सो हमारा यहाँ पर अभी main.dart का कोड जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। ये सिंगल पेज हमारा एप्लीकेशन है, सो हमारा एक ही सिंगल
कोड जनरेट होगा। सो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। कोड जनरेशन की प्रोसेस एंड होती है, सो यहाँ पर हम राइट कर लेंगे और सभी चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो हमारा कोड जनरेट हो गया है सक्सेसफुली। अब इसे हम रन करेंगे या हॉट रीलोड करेंगे। सो मैंने यहाँ पर क्लिक किया हॉट रीलोड पर। अब आउटपुट देखेंगे, जैसा हमने अपनी UI इमेज पे था वैसा ही हमारा ऐप क्रिएट हुआ कि नहीं। अगेन से क्लिक करेंगे, अभी नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में हमारा जैसा इमेज में UI था वैसा ही हमारा Flutter एप्लीकेशन बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत अंतर देखने के लिए मिल जाएगा आपको कलर कॉम्बिनेशन का, बाकी हमारा वैसा ही ऐप है। अब देख लेते हैं कि ये वर्किंग है कि नहीं। सो मैं यहाँ पर एक न्यू टास्क को ऐड करूँगा। सो यहाँ पर मैं क्लिक किया ऐड टू टास्क, उसके बाद टास्क यहाँ पर टाइप करेंगे। सो मैं यहाँ पर टास्क, इसका टास्क हम टास्क दे देते हैं और ऐड पर क्लिक करेंगे। सो हमारा टास्क यहाँ पर ऐड हो गया है और आप देख सकते हैं जैसा हमने UI में बनाया था बिल्कुल सेम डिप टू कॉपी वैसा ही बन गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि AI कितना पावरफुल हो गया है। अब इसे चाहे आप अपनी APK फाइल में बिल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर जो ऊपर फीचर्स हैं ये परफेक्टली वर्किंग है और एनिमेटेड है। ये मैंने नहीं किया, ये सिर्फ AI ने ही किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंने इसके अलावा कोई और प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, ये ऑटोमेटिकली इसी AI ने अंडरस्टैंड होकर इतना अच्छा यूज़र इंटरफेस और साथ में एनिमेशंस को ऐड कर दिया अपने अकॉर्डिंग। इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि AI कितना पावरफुल होता ही जा रहा है। सो इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा ये था कि आप ChatGPT के अलावा भी कोई AI सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया आप इनका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोडिंग में नॉलेज कम है या अगर आपको कोडिंग आती भी नहीं है, तो सिर्फ आप प्रॉम्प्ट टाइप करके अपने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। वैसे इस पर मैं पूरी प्लेलिस्ट लेकर आऊँगा जिसमें आपको वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन और जो कुछ भी हो सकता है AI से आगे चल के आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसे कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।